तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Realme C3 डिवाइस में Realme UI 2.0 के C.12 वर्जन का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, इस अपडेट का कन्फर्म डेट क्या है, क्योंकि यार आज 30 जुलाई हो गया है लेकिन अभी तक अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है। सो गाइस अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। इसी के साथ में हम बात करेंगे कि ये अपडेट में ना आप लोगों को क्या कुछ न्यू फीचर्स देखने के लिए मिलेगा, या फिर ये जो अपडेट होने वाला है वो एक नॉर्मल सा सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स का ही अपडेट होने वाला है। इसी के साथ में हम बात करेंगे कि ये अपडेट का आप लोगों को फाइल साइज कितना देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस अगर आप भी हैं Realme C3 डिवाइस के यूजर्स तो यार आप वीडियो को ना शुरू से अंत तक जरूर वॉच करना, बिकॉज में भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो यार आप लोगों को ना लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, हो सके तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार Realme C3 डिवाइस में Realme UI 2.0 के C.11 वर्जन का जो न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट देखने के लिए मिला था वो गाइस आप लोगों ने यार मई 2022 में देखने के लिए मिला था। उसके बाद से यार जून में कोई भी सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए नहीं मिला। उसके बाद गाइस आप लोगों ने जुलाई महीना में भी कोई भी सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट अभी तक आज 30 जुलाई हो गया है लेकिन देखने के लिए नहीं मिला है। सो गाइस आप लोगों को बता दें कि Realme C3 डिवाइस में जो Realme UI 2.0 के C.11 वर्जन का जो अपडेट देखने के लिए मिला ये मई में मिला। तो गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि Realme C3 डिवाइस में जो सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए मिलता है ना वो गाइस आप लोगों को बाई मंथली देखने के लिए मिलता है। बाई मंथली का ये मतलब होता है कि एक महीना गैप करके अपडेट देखने के लिए मिलता है। तो गाइस आप लोग को यार C.11 वर्जन का अपडेट मई 2022 में देखने के लिए मिल गया, यार आप लोग को C.12 वर्जन का जो अपडेट है ना वो गाइस आप लोग को यार जुलाई 2022 में देखने के लिए मिला है। तो यार लेकिन आज 30 जुलाई हो गया लेकिन अभी तक अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है। तो यार यूजर्स जो है ना वो काफी ज्यादा बग एंड इशू को फेस कर रहे हैं। तो यार वो वेट कर रहे हैं कि आखिर C.12 वर्जन का अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा Realme C3 डिवाइस में। तो ये तो खैर हम वीडियो में आगे बात करेंगे, इससे पहले हम बात करते हैं ना कि यार ये अपडेट में ना आप लोग को क्या कुछ न्यू फीचर्स देखने के लिए मिलेगा, या फिर आप लोग को एक नॉर्मल सा सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट ही देखने के लिए मिलने वाला है। तो यार आप लोग को बता दें कि ये अपडेट में आप लोग को कोई भी न्यू फीचर्स देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये अपडेट आप लोग को एक नॉर्मल सा सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट तो होने वाला है। सो गाइस इस अपडेट में आपके डिवाइस के सिक्योरिटी पैच को और भी ज्यादा एनहांस कर दिया जाएगा। इसी के साथ में आपके डिवाइस में जो भी बग एंड इशू होगा उन्हें यहाँ पे फिक्स करने के बाद आपके डिवाइस के स्टेबिलिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा। अगर बात करें यार फाइल साइज के बारे में, यार फाइल साइज आप लोग को 400-600 MB के अंदर में ही आप लोग को फाइल साइज देखने के लिए मिलने वाला है। सो गाइस अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कि यार Realme C3 डिवाइस में Realme UI 2.0 के C.12 वर्जन का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। हालांकि आज 30 जुलाई भी हो गया है लेकिन अभी तक अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है। तो अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा इसके कंफर्म डेट के बारे में यार आप लोगों को क्लियर कर दें कि ये जो सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए मिलता है ना ये अपडेट का कोई भी कंफर्म डेट नहीं होता, लेकिन यार अपडेट जिस महीना में मिलना होता है उस महीना में अपडेट देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस Realme C3 डिवाइस में बाई मंथली अपडेट देखने के लिए मिलता है सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स का। यार आप लोगों को ना C.11 वर्जन का अपडेट मई में देखने के लिए मिला था, तो गाइस आप लोगों को यार जुलाई में C.12 वर्जन का अपडेट देखने के लिए मिलना है। तो यार आप थोड़ा सा वेट कर लो, हो सकता है कि आप लोगों को कल भी अपडेट देखने के लिए मिल सकता है C.12 वर्जन का। फिर भी अगर यार कल अपडेट आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है तो गाइस आप लोगों को ना यार अगस्त महीना के फर्स्ट वीक में अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस इसी वजह से आप थोड़ा सा अलर्ट रहना, अपडेट को चेक करते रहना। वैसे गाइस आप अलर्ट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो यार आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो गाइस फिलहाल मैं अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी ओपिनियन हो तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर मैंशन करना, एंड ये वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।